फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अगेन एक कुकिंग रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेरी डिलीशियस चिकन पुलाव की रेसिपी, जो मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन रायता के साथ। तो मैं ग्रीन रायता की भी रेसिपी इसी डिश के साथ शेयर कर लूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे हल्दी और नमक। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कर्ड और उसको मिक्स कर लेंगे और उसको रख देंगे एक साइड पे। अब एक कढ़ाई पे घी गरम कर लेंगे। घी जब मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूंगी तेजपत्ता और कुछ ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री, जायफल और स्टार एनिस। इसको कूट और यही ड्राई स्पाइसेस को मैं इसमें डाल लूंगी कूट के। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी अनियन। अनियन मैंने 3 मीडियम साइज लिया है और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूंगी। अनियन को मैंने थोड़ा सा मिक्सी में दे के दरदरा पीस लिया था। आप लोग अगर चाहे तो अनियंस को कट के भी ऐड कर सकते हैं। अनियंस भुन जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर और गार्लिक पेस्ट। फिर मैं इसको भून लूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटोस को और उसको भी भून लूंगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाला। मसाला में मैंने लिया है हल्दी, नमक, बिरयानी मसाला और चिली पाउडर। मसाला जब भून जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूंगी कचा हुआ धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली। अब इन सबको ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। धनिया से जब अच्छा सा एक एरोमा रिलीज होगा फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पोटेटोस को और पहले से मैरिनेटेड किया हुआ चिकन पीसेस और इसको अच्छी तरीके से करीबन 10 मिनट तक भूनना है। ये देखिए चिकन को मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ और अब मैं इसको लीड लगा के करीबन 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकने के लिए रख दूंगी। लीड उठा के देख लेते हैं चिकन से और कर्ड से पानी निकल आया है और अच्छी तरीके से ग्रेवी उबल रहा है। इसी स्टेज पे मैं इसमें कुछ बूंदे केवड़ा वाटर की डाल दूंगी और थोड़ा सा मिक्स करके लीड लगा के अगेन इसको 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। लीड उठा के देख लेते हैं। ये देखिए चिकन ग्रेवी लगभग रेडी है। अब मैं इसके ऊपर पोर करूंगी बासमती राइस। राइस को मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी गरम पानी। पानी उतना ही ऐड करना है जितना कि चावल अच्छी तरीके से पक जाए और लीड को लगा के 20 मिनट के लिए मीडियम आंच में पकने दूंगी। पुलाव बन के रेडी हो चुका है। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए चावल पक चुका है, अच्छी तरीके से खिला खिला बना है। अब इसको मैं सर्व करूंगी ग्रीन रायता। तो फटाफट बना लेते हैं ग्रीन रायता। तो इसके लिए मैंने धनिया और पुदीना के पत्ते को मिक्सिंग बोल में डाल दिया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट, काला नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और साबुत जीरा। लास्ट में मैं ऐड करूंगी कर्ड। अब इन सबको मिक्स कर लूंगी। ये देखिए फटाफट से मेरा ग्रीन रायता बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा सुपर डिलीशियस चिकन पुलाव की रेसिपी और ये है मिंट रायता या ग्रीन रायता जो मैंने इसके साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये पुलाव। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड गुड बाय। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।